Hey, Kapil Sharma. You have all thought either way, right? You don't brush your hair from tomorrow morning, you do it like this. You have to clean it here. वैसे मैं सर आपको बताएगा मेरे को ऐसा हकले में नहीं लेने का हकले नहीं हल्के में वही वही मेरे को उसमें नहीं लेने का मैं लंदन में मेरे पास बहुत वो है वो अपना क्या बोलते हैं यार ऐसा बहुत ज़्यादा शराब पीते आदत पड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं लत लत हाँ और वही आदमी अगर उसे बहुत सारा सिगरेट पे उसका भी आदत पड़ गया तो दौलत मेरे पास बहुत दौलत है London, my passport dolat hai. Mera baap London ka bahut braspati aadmi hai. Braspati? Abhe braspati nahi, crorepati, arabpati hota hai. Braspati kya? Nahi, wo mera kya hai? Mera papa jo hai, mera maa se bahut bahas karta hai. Isle wo braspati aadmi. लेकिन सर सही में हम लोग उधर इतना ज़्यादा अमीर हैं मेरा तो बेडरूम जो है लंदन में मेरे पास सोने का तकिया है गोल्ड का नहीं 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 यार वो उसमें मैं सर रख के सोता है ना इसलिए वो सोने का मैं ये आदमी को काली ट्रिक करने के लिए बोला मैं आपको बता रहे हम लोग उधर बहुत अमीर हैं मतलब मेरा पापा मुझे पैसे में वो कर देता है क्या बोलते हैं वो आप लोग किधर हाईवे पे जाते हैं वापस आते हैं किधर रास्ते में रुकना पड़ता है आप पैसा देते हैं सामने वाला पर्ची देता है उसको क्या बोलते हैं टोल टोल तो मेरा पापा मुझे पैसे में टोल देता है मतलब हम लोग उधर इतना ज्यादा अमीर है कि ऊपर वाला इतना अमीर किसी को ना बनाए यार ऐसा क्या काम करता है तुम्हारा बाप मेरा बाप उधर भोपू बजा के बादल से पानी निकालता है ये कैसा काम हुआ क्या इधर तुम्हारा मम्मी लोग सीटी बजा बजा के छोटा मासूम बच्चे का सुसु निकाल सकता है क्या मेरा बाप भोपू बजा के बादल में से पानी ना निकाल सकते है हो गया तेरा चल अभी निकल ये जो तुम ना ऐसा मेरे से बात करता है ना तुम ऐसा रूडली ये मेरे को बिल्कुल मतलब बहुत वो लगता है क्या वो क्या होता है वो पंजाबी लोग ऐसा ऐसा करके क्या चिल्लाता है जोर से बुरा हाँ बुरा लगता है मेरे को मैं आपके मैम फिल्म का ट्रेलर देखे मैं आपका फिल्म का ट्रेलर एकदम वो है वो क्या होता है यार वो जंगली लोग होता है ऐसा हूँ हाँ हूँ वो लोग ऐसा साथ में झुंड बना के एक जगह पे रहता है वो जगह को क्या बोलता है कबीला कबीला तारीफ है आपका फिल्म का सच में कबीला तारीफ है लेकिन मैं सच ही बोला आप जनों को अभी इधर देख के मेरा आश्चर्यचकित निकल गया है क्योंकि मैं देखा आपको ट्रेलर में आप लोग बुढ़ा हो गया था इधर वापस जवान कैसे हो गया अरे वो मेकअप होता है मेकअप हाँ तो मेकअप से ऐसा बुढ़ा जवान सब ऐसा बार बार हो सकता है ये अमेजिंग है यार ये सुनके तो माय गॉड मैन मेरा होश लैंड कर गया ये सुन के यार होश उड़ा दिया लैंड क्या हाँ तो मेरा उड़ा था यार कब तक उड़ेगा कभी तो लैंड होएगा तुम यार इधर ब्रश करो दोस्त वैसे श्रद्धा जी यस मैं आपका फिल्म स्ट्री थिएटर में देखा It's three. Oh, my darpok nikal gaya yaar. Darpok? Lekin aap dekhiye, aap films three mein kaam kiya hai, ye aadmi idhar sab aadmi ko stree banata hai. Maine kisko stree banaya? Idhar samne dekho. इधर पहले एक आदमी एक मर्द था अभी स्त्री है और वो बेचारा मर्द कितना बार बोला भी सिद्धू जी बार बार बोलता था ओ स्त्री कल आना और ये स्त्री भूत से भी डेंजर है ये कल आना
ये ऐसा जम के बैठ गया है। पर मैं आपको श्रद्धा जी, आप बहुत खुशबूरत है मैं बोल रहा है। खुशबूरत नहीं, खूबसूरत। समझ गया ना यार, तो छोड़ो ना क्यों मैं। आप इतना जो भी हाय बताया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करेगा, मेरा एक मैसेज आपके पापा शक्ति जी को दे गए आप क्या? यस। उनको बोलना कि मेरे को लड़की पसंद आए। आप मेरा भी मैसेज देना एक शक्ति जी को, उनको बोलना इसकी आंखें निकाल के गोटियां खेल सकते हैं। तुमसे कोई ज्ञान मांग नहीं रहा है तो क्यों पेल रहा है यार? मैं बहुत सोचे है और सोच समझ के बहुत फोकस ध्यान करके मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूं। तैयार हूं। क्या था? तो तेरे जैसी पंडुबी को वो बॉयफ्रेंड क्यों बनाए? पंडुबी? अच्छा, मैं थोड़ा सा मोटा है इसलिए पंडुबी बोला मुझे। तो क्या है, मैं आपका फिल्म देखा है, इनका वो आशिकी 2 में इनका बॉयफ्रेंड बेवड़ा होता था। इनका दूसरा एक विलन में इनका बॉयफ्रेंड गुंडा होता था। और वो हैदर फुल में इनका बॉयफ्रेंड थोड़ा पगला होता था। अभी मोटा ट्राई करो यार। मोटा लोग क्यूट होता है बहुत, देखो होता है कि नहीं? बहुत क्यूट, बहुत क्यूट। थैंक यू, क्यूट तो है। <बड़ा अच्छी। laughs> क्या उल्टी आ रही, कर क्यों नहीं देता? वो तुम्हारी बातें नहीं सुनने आए यहाँ पे, फिल्म प्रमोशन करने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मेरे ले आए हैं। आप भी मेरे ले आए हैं, अर्चना जी भी इधर मेरे ले आए हैं, सोनी साहब सब मेरे ले आए हैं। इधर जो भी नोक जोक, जो भी हंसी मजाक होता है सब मेरे लिए होता आए। वो कैसे? वो ऐसा है कि तुम मुहावरा नहीं सुना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है और मैं अच्छा है। I'm sorry, मेरा फोन आया है। ए ये देखो, प्रिंस एडवर्ड फ्रॉम लंदन, वो अस्पताल में एडमिट है, मैं एक में बात करेगा। एडवर्ड, कौन सा वार्ड में एडमिट है मेरे को बताओ, मैं उधर आके मिलता है तुमको। क्या तुमको मेरे से मिलना में कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो वार्ड में जाओ यार, मेरे को क्या है, मैं फोन कट रहा है। थैंक यू, मेरे को अभी जाना पड़ेगा। क्या है कि मेरा लंदन में ना अभी सुबह होने वाला है, तो मुझे उधर जाके जागने का है। तो अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे। या ब्रो, लव यू, थैंक यू, मिलते हैं। यू यू। सो अब वक्त है फिल्म छिछोरे के राइटर डायरेक्टर साहब को यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा दंगल फेम नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर मिस्टर नितेश तिवारी। नितेश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। नितेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पे देख के। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। अच्छा नितेश सर को देखो, ऐसी खतरनाक फिल्में बनाई है। सर सबसे पहले तो आपको दंगल के लिए ढेर सारी मुबारक। वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर। और अब छिछोरे लेके आए हैं, इतनी मजेदार फिल्म है, ट्रेलर देख के इतना मजा आ रहा है, हर कोई अपने साथ रिलेट करता है ये चीजें, जैसे आपके आने से पहले बात हो रही थी। लेकिन नितेश सर को देखो ना ध्यान से, तो ऐसा लगता है वो जो मीठी गोली देके इलाज नहीं करते होम्योपैथी डॉक्टर। नितेश सर वो लगते हैं, ऐसे अजीब अजीब मजेदार आइडिया कैसे आते सर आपके दिमाग में? छिछोरे का आइडिया कैसे आया और टाइटल छिछोरे ही कैसे चुना आपने? आइडिया तो एक्चुअली IIT बॉम्बे से मैंने बीटेक किया। अच्छा जी। और वहाँ चार बहुत ही खूबसूरत साल मैंने हॉस्टल में गुजारे। आई थिंक जो भी कॉलेज से पास आउट हैं और सब इस बात से एग्री करेंगे कि वो हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं एक्चुअली। तो मुझे लगा कि वो जो चार साल थे वो इतने खूबसूरत थे कि उनको अगर पर्दे पे उतारा जाएगा तो शायद सबको उतना ही मजा आएगा जितना वो मजा मुझे आया था उन चार सालों को जीने में। बहुत ही खूबसूरत है वाकई। नितेश सर आपको देख के लगता नहीं कि आप शरारती रहे होंगे कॉलेज में, पर आप थे थोड़े शरारती टाइप कॉलेज टाइम में? मैं भीड़ का हिस्सा था। अच्छा। मतलब वो होता है ना कि
अगर स्टेशन पे जेब कतरा पकड़ा जाता है तो 5-6 लोग पीछे से हाथ साफ कर लेते हैं. तो मैं उन लोगों में से था. तो शुरुआत मैं नहीं करता था. अच्छा, बट मैं साथ मिल लेते थे बाद में भीड़ में. वही. पर ये एक अच्छे थॉटफुल इंसान की सोच है ये, कि कॉलेज में जो भी इन्होंने लाइफ स्पेंड की, वहाँ पे टाइम गुजारा, उसको ऑब्जर्व करते रहे और अब जाके इन्होंने उस चीज को पर्दे पे उतारा है. बड़ा ही खूबसूरत ट्रेलर लग रहा है सर. बहुत बहुत मुबारक हो आपको एडवांस में. थैंक यू. थैंक यू सो मच. तो सर, इतने सारी बड़ी कास्ट के साथ आप डायरेक्ट कर रहे हैं उस फिल्म को, तो आपको डायरेक्टर वाली फीलिंग आती थी, प्रिंसिपल वाली आती थी, क्योंकि कॉलेज में जाके शूट करना और ये सब? एक्चुअली मुझे एक दोस्त वाली फीलिंग ज्यादा आई. अच्छा जी. जब ये लोग काम कर रहे थे जी, तो प्रिंसिपल से ज्यादा मुझे एक फ्रेंड, एक कलीग, एक बैचमेट वाली फीलिंग ज्यादा आई. आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट लाइफ ने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि मैं उन पलों को फिर से जी सकूं एक बार. तो नितेश सर की वाइफ जो है मिसेज अश्विनी तिवारी, वो भी डायरेक्टर हैं. तो सर, घर में किसका डायरेक्शन चलता है फिर? इसका जवाब आप जानते हो. बड़ा ऑनेस्ट आंसर दिया है. आप कोई जितनी मर्जी बड़ी दंगल बना लो, घर में डायरेक्शन जो होता है. सर, आई लव यू सर. अब वक्त है फिल्म छिछोरे से उन टैलेंटेड एक्टर्स को यहां पे बुलाने का जिन्होंने फिल्म में दूसरे अहम किरदार निभाए हैं. सो प्लीज वेलकम वरुण शर्मा, सहर शुक्ला, नवीन पोलिशेट्टी एंड तुषार पांडे. तो सभी छिछोरों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. इनकी फिल्म का नाम छिछोरे है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ. यार, आप सभी कितने लकी हैं. आप देखिए, आपको नितेश सर के साथ फिल्म करने का मौका मिला और साथ ही कपिल शर्मा शो में. देखो, वाओ, व्हाट एन अचीवमेंट. तो मतलब फिल्म साइन की थी उस समय नर्वस थे या आज हो? अरे देखो, मेरा तो रोज का हो गया. तेरा तो रोज का है, तो इधर ही रहता है सर ये. आप बैठो ना भाजी, ज्यादा ऐसे इज्जत बहुत ज्यादा हो रही. हाँ, एक कुर्सी और मंगवा दो प्लीज. ऐसे लग रहा है हम फिल्म प्रमोशन ही अपनी खुद की पिक्चर देखने आए हैं. नितेश सर, कितना मुश्किल था इतने सब छिछोरों के साथ काम करना, इतनी बड़ी कास्ट, कभी सब टाइम पे रेडी हो गए कि नहीं हो गए? प्रॉब्लम आई कोई सर? बहुत. व्हाट काइंड ऑफ शूटिंग में प्रॉब्लम नहीं आई. अच्छा. लेकिन यहाँ बदमाशियां इन लोगों ने बहुत करी. अच्छा जी. जो हमने ओल्डर पोर्शन शूट किया इन लोगों का, वो काफी चैलेंजिंग था. सब लोग 3.5-4 घंटे लगाते थे अपना प्रोस्थेटिक्स में जी. तो श्रद्धा सिर्फ खुश थी उस समय, क्योंकि यूजली श्रद्धा को ज्यादा टाइम लगता था रेडी होने में. अच्छा. उल्टा जब हम लोग ओल्डर पोर्शन शूट करें तो श्रद्धा फटाक से रेडी हो जाती है. ये बहुत सही हुआ. अच्छा, बाकी सब जब बुड्ढे बने तो लग रहा है कि इनका मेकअप हुआ है बुड्ढे बने. वरुण बुड्ढा ओरिजिनल लग रहा है, ऐसा लगता है जवान में मेकअप किया है. ओ मैं मजा देख, तू करेक्टर में कितना गुस्सा है. देख, ये कॉम्प्लीमेंट की तरफ से सोचना. नवीन पोलिशेट्टी. अच्छा, शेट्टी लोग तो हमने सबने सुने हैं, हम क्या समझे शेट्टी लोगों का? पॉलिश्ड वर्जन हो आप जी. मैं शिल्पा शेट्टी, रोहित शेट्टी और सुनील शेट्टी का मिक्स. अच्छा. और नवीन पॉलिशेट्टी जी. ओए वाओ. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि नवीन जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुके हैं, इंजीनियर हैं ये. सुशांत भी इंजीनियर है, नितेश सर भी इंजीनियर, सारे इंजीनियर डायरेक्टर एक्टर बन गए. तो काम कहां चल रहा है हिंदुस्तान का? डू यू हैव एनी आइडिया? हमारी तभी मेट्रो लेट हो रही है सर.